सबको हंसाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी के हवाले से एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि शाहनवाज धानी की गाड़ी को हादसा पेश आया और उसके बाद शाहनवाज धानी को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूँ, तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। पाकिस्तान सुपर लीग की जान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी के हवाले से एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि शाहनवाज धानी की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। एक छोटी सी दुआ करते हैं, आप सब ने कमेंट बार में आमीन जरूर लिखना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी समेत पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं उन सबको सेहत कामला अजला अता फरमा, आप सब ने कमेंट बार में आमीन जरूर लिखना है। कहते हैं किसी दुआ पर अगर 40 लोग मिलकर आमीन कह दें तो दुआ हर हाल में कबूल होती है, तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ने कमेंट बार में आमीन जरूर लिखना है। अब आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी की गाड़ी को किस तरह से हादसा पेश आया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी आज गाड़ी चला रहे थे कि इस दौरान उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उनका चेहरा और उनकी नाक स्टेयरिंग पर जाकर लगी। उसके बाद उनके चेहरे और उनकी नाक से काफी ज्यादा खून बह रहा था और उसके बाद उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी नाक पर काफी गहरी चोट आई है और इसके साथ साथ उन्होंने पूरी कौम से दुआओं की दरखास्त किया कि अल्लाह ताला मुझ समेत पूरी उम्मत को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आप सब ने शाहनवाज धानी के लिए और इसके साथ साथ पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आप सब ने कमेंट बार में आमीन जरूर लिखना है। इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी भी क्रिकेटर से जुड़ी कोई भी खबर बर्वक्त जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा।